अंदर की तरफ थे, इसी वजह से वो प्रकोप नहीं गया। बट जोनाथन ने भी यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर, बट जोनाथन के वो ग्रेड से दो खिलाड़ी हुए। कभी भी ये रूम पे आना नहीं जाएंगे, ये वो नॉक हो चुके थे, उनको फिनिश ऑफ भी। वैसे आज मैंने उनको पूछा के, और बैक टू बैक दो नॉक्स, और टीम एनटीटी का हो चुका है खात्मा। टीम रेविनेटी स्पोर्ट्स एक्वा नॉक्स, तीन फिनिशेस पॉइंट उनके पास और जबरदस्त खेल ये है वो पे उन्होंने कैपिटलाइज करा। स्टेज 6 का जो सर्कल है वो शुरू हो चुका है टीटीआर। 8 सेकंड का है, टीम आई कुसोल उनको परेशानी में डाला गया है। फियर्स के ग्रेनेड से सिंप नॉक हुए, पंक वहां पे नॉक हो चुके हैं। वाओ, ये गेमा गेमी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन, कौन किसको मार रहा है, ये प्लेयर्स को तो छोड़िए हमें भी यहां पे समझ पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यहां पे टीटीआर। जी हां बिल्कुल, देखिए और उसी जगह पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इधर क्रिएट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। बट क्या उनको ऐसा चिकन डिनर इधर से मिल सकता है, क्योंकि बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। बट एक्वा नॉक्स जो पिंच कर रहे हैं ना, इसका फायदा मिल सकता है। एक्जेक्टली स्टिप ने एक इंस्टेंट नॉक निकाला केओया के ऊपर, बट मेडल के पास अभी भी तीन खिलाड़ी जिंदा है। एडमिनो सयम को यहां पे नॉक तो करते हैं बट फिनिश निकाल नहीं पाए हैं। देखिए ये प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से स्मोक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है में है, और टीम गॉडले के पास एक चांस है कि वो इधर से अपना जगह जो है वो एकदम टॉप पे बनाए और टीम रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स को पीछे छोड़ दे। एडमिनो दो चार शॉट्स इधर कनेक्ट हुए जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर आ गया था। ग्रेनेड कनेक्शन हो सकता है, डार्क लॉर्ड नॉकआउट, आपके प्लेयर उनका भी काम तमाम होता हुआ दिख सकता है, बट नहीं अभी रुकना होगा। क्यों अभी क्यों मुश्किल, जोनाथन के ऊपर पूरा भारी पड़ते हुए शॉट्स लिया जाएगा और आखिर में टीम गॉडलाइक आउटशाइन कर देंगे टीम मेडल ईस्पोर्ट्स को और लेके जाएंगे एक बेहतरीन। गाड़ी को रोकेंगे, जी हां जवाब है जी, अंदर की तरफ थे इसी वजह से वो प्रकोप नहीं गया। बट जोनाथन ने भी यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर, बट जोनाथन के वो ग्रेड से दो खिलाड़ी हुए हैं यहाँ पर नॉकआउट, तो पूरी तरह से अब बचना काफी मुश्किल हो जाएगा टीम रेवेनेंट। ये बिल्कुल भी उनको अंदाजा नहीं था, बट अभी भी वो खिलाड़ी जो है क्या वो नीचे उतरने की कोशिश करेगा, क्या वो क्लच उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है। बट रेवेनेंट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ग्रेनेड जाएगा और दो खिलाड़ियों को बिल्कुल आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे और ऐसे संकरे कमरे की तरफ तो ज्यादातर देखते हैं कि फाइट्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और फिनिशेस निकालने की कोशिश करते हैं। एडमिनो उन्होंने स्पॉट कराया टीम डमलास के प्लेयर को, उनका शॉट कनेक्ट हुआ नहीं, बट दूसरी तरफ मेंटी का शॉट जरूर उन पे कनेक्ट हुआ, थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचाया है। पीडब्ल्यूओबी के प्लेयर्स भी मौजूद है, थर्ड पार्टी कर सकते हैं मेरे को लग रहा है गेम्स, एंड वेट कर रहे हैं शायद प्रिंस एंड उनकी पूरी की पूरी टोली। एंड वो गाड़िया सीधा निकाला है, सीधा गाड़ी निकाली क्योंकि उनको पता है कि गॉडलाइक के सिम वहां पे नॉक हुए हैं। किल फीड रीड करा जाता है टीम्स की तरफ से, एंड इंस्टेंटली शायद थर्ड पार्टी आएगा। जेली गन निकाला बट नहीं, ऊपर से आएंगे, ऊपर से नॉक भी कर देंगे जेली, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी करेंगे। सिम अभी भी नॉक पड़े हुए हैं, इसका फायदा क्या मिलेगा टीम पीडब्ल्यूओबी को देखना पड़ेगा। जेली वापस से खड़े हुए हैं, एक और प्लेयर को नॉक करेंगे, एंड जो मुश्किलें वो करने के लिए आए थे वो मुश्किल तो वो खुद यहाँ पे फेस कर रहे हैं, बट नहीं है कि दो प्लेयर को नॉक कर सकते हैं। एडमिनो अभी भी कवर फाइट क्रिएट करने की कोशिश, अकेले बचे हुए मोनोटॉफ जाएगा, उनको निकलना पड़ेगा वो पोजीशन छोड़ के, एंड शायद से यहाँ पे एगी ये फाइट निकाल सकते हैं, वही होगा गॉडलाइक का खात्मा हो चुका है। टीम टीडब्ल्यूओवी के एगी इस समय पे विक्ट्री विक्टोरियस के पास, लेकिन फाइट इधर खत्म नहीं हो जाता। दूसरी तरफ टीडब्ल्यूओवी के साथ जाते जाते प्रिंस को चलते गाड़ी में किया गया है नॉक, और टीम साथ टीम गॉडलाइक नजर आई क्योंकि हमने देखा था पिछले मुकाबले में टीडब्ल्यूओबी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, तो अब बारी यहां से बदला लेने की। टीडब्ल्यूओबी भी इसी के लिए कोशिश कर रहे, 3v4 यो निकाल पाएंगे तो एगी आगे बढ़ेंगे, जोनाथन को निकाला है, सिम को भी तुरंत नॉकआउट कर दिया जाएगा, ये मुश्किल है। गॉडलाइक को क्या बैकफुट में धकेलेगी जेली एंड एडमिनो, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी कमान है। अगर आप एडमिनो को देखेंगे वो तो काफी ज्यादा दूर निकल चुके हैं, शायद जेली का कॉल आउट आ चुका है कि अभी के लिए आप सर्वाइवल के लिए जाइए। एडमिनो आ तो जरूर है लेकिन काफी देर हो चुकी है, जो दो नॉकआउट्स निकाले हैं एगी क्या सेवियर के रूप में, पिछले मुकाबले में सेवियर के रूप में नजर आए थे, और अब जेली के ऊपर एक रहेगा बहुत बड़ा प्रेशर है सामने से। 1v3 कमांड, क्या फिर से एगी प्रोसीड करे, जी हाँ फ्रंट लाइन असॉल्टिंग उनकी तरफ से, साथ ये डीवेस का बजट का लग सकता है। जंप शॉट के साथ कोशिश करी थी लेकिन तुरंत नॉकआउट करने की कोशिश थी, लेकिन जी नहीं यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा टीडब्ल्यू इस पे पहुंच चुके हैं बहुत दिनों बाद, तो ये हम लोगों को बीच में देखने के लिए मिलते नहीं थे इधर हासी एंड अबे, बट फिर से एक बार जाते हुए देखने के लिए मिले इधर एडमिनो। सो देखना पड़ेगा क्या सिनेरियो इस पूरे सिचुएशन से निकल के आता है, क्योंकि उनके ऑपोजिट में टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स निंजा बॉय उतरते ही जोनाथन का क्या काम तमाम, नॉक फिनिश करते हुए, और टीम गॉडलाइक के लिए ये एक रिस्क फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है। जेली इधर नॉक निकालेंगे बट जेली खुद भी इधर हो जाएंगे डाउन, और उसी के साथ साथ देखिए टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स टीम प्लेयर के साथ थे, इसीलिए शायद गॉडलाइक ने सोचा कि जब एक प्लेयर कम है तो हम अपना जो अड्डा है पुराने वाले उस पर चलते हैं, बट अभी के लिए वो चीज़ भारी पड़ता हुआ टीम गॉडलाइक के ऊपर। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वर्सेस गॉडलाइक, निंजा बॉय समाप्ति करेंगे
और टीम गॉड लाइक बैक टू बैक ये दूसरा मुकाबला है पिछले मुकाबले एक्चुअली कर भी देंगे क्या कर चुके हैं और स्मोक के अंदर रैंडम फायर गाड़ी लेके सीधा चलाने की कोशिश एंड कनेक्शन जैसे मिलेगा शायद से पहला जैसे ही नॉक निकलेगा ना वो सीधा आपको देखेंगे घुसते हुए बट नहीं सिम घुसे तो घुसे बट नॉक हो जाएंगे एक काउंटर अटैकिंग स्ट्रेटजी जॉनसन भी नॉक हुए जॉनसन ने एक नॉक निकाला था जरूर बट क्या फायदा मिलेगा जेली ने यहाँ पे बचा लिया बाल बाल गॉड लाइक के प्लेयर्स को वरना यहाँ पे ना बहुत मुश्किल में फंस सकते थे सिम घुसे थे ना कॉन्फिडेंस में देखिए मुश्किल में तो है नॉक प्लेयर फिनिश ऑफ हो जाएगा जेली अकेले है स्थिति में गाड़ी ऑलमोस्ट फटते फटते बचा बट गोली कौन चला रहा था गॉड लाइक को कर सकते हैं बाहर ये सब कुछ इधर देखना पड़ेगा इधर से निकल जाना या फिर रोटेशन देना मुझे लगता नहीं है कि इधर बचा पाएगा टीम गॉड लाइक को जी हाँ वही चीज हुआ इधर गिरे एडमिनो और उसी के साथ उनका काम कर दिया गया है तमाम टीम टमिलास इधर बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हुए देखने के लिए मिले थे वो होता है ना कि एकदम से पाएंगे फिनिश कर पाएंगे बहुत कुछ देखना होगा मिस्टर आईजेल ऑलरेडी काफी ज्यादा कम एक्टिंग के साथ थे स्प्रे करेंगे जरूर लेकिन करेंगे तो सवाल नहीं दिखा नीचे से एंट्री हो चुका है रूम के अंदर और जोनाथन को कर दिया गया धप्पा और उसी के साथ उनको कर देंगे मैप से बाहर भी जली आखिरी प्लेयर ग्रेनेड वो कुक हो रहा है लेकिन कनेक्ट शायद ना हो पाए पीछे से मिला सरप्राइज और जली